नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान पेपर वन पार्ट बी यूनिट फोर गुण विज्ञानियम। जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है गुण की निरुक्ति, अर्थ एवं लक्षण, गुण का वर्गीकरण एवं संख्या, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन एवं महर्षि चरक के अनुसार, गुरुवादी गुण, परादि गुण, आध्यात्मिक गुण, 41 गुणों के लक्षण एवं वर्गीकरण और गुणों का चिकित्सकीय अथवा प्रयोगात्मक उपयोगिता। आइए शुरू करते हैं। गुण की निरुक्ति। गुण शब्द का कई अर्थों में व्यवहार होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में वस्तु की उत्कर्षदायक विशेषता को गुण कहते हैं। गुण्यते आमंत्रयते लोक अनेन इति गुणः, जिसके कारण लोग किसी भी द्रव्य की ओर आकृष्ट होते हैं उसे गुण कहा जाता है। गुण आमंत्रणे, इस धातु से गुण शब्द निष्पन्न होता है। इस धातु से गुण की निरुक्ति की गई है। गुण के लक्षण। समवाय तु निश्चेष्ट कारणम गुणः, महर्षि चरक ने सूत्र स्थान के अध्याय एक में ये व्याख्या की है। इसका अर्थ है जो समवाय हो, जो चेष्टा रहित हो, जो कारण हो उसे गुण कहते हैं। समवाय का अर्थ है जैसे गुण द्रव्य आश्रयी होता है, द्रव्य के साथ समवाय संबंध से रहता है। निश्चेष्ट अर्थात चेष्टा जो कि कर्म है वो किसके द्वारा की जाती है, द्रव्य के द्वारा की जाती है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो गुण है वो निश्चेष्ट होता है और जो भी चेष्टा या जो भी कर्म की जाती है वो गुण के द्वारा नहीं, वो द्रव्य के द्वारा की जाती है। और गुण जो है वो कारण होता है। किसका कारण है? वो अन्य गुणों को भी बनाता है। एक गुण से दूसरे गुण का निर्माण किया जाता है, वो गुण अपने आप ही दूसरे गुण को बनाने लगता है। गौण, द्रव्य प्रधान होता है, गुण उसमें आश्रित होने से अप्रधान अर्थात गौण होता है और गौण होने की वजह से उसे गुण कहा जाता है। गुण लक्षण में आगे देखिए, ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये व्याख्या की गई है। जो द्रव्य आश्रयी हो, जो अगुणवान हो, जिसमें खुद में, मतलब गुण क्या होता है कि वो किसी द्रव्य का होता है, गुण का खुद का कोई गुण नहीं होता। गुण द्रव्य तो है नहीं ना। गुण जो है वो हम क्वालिटी, किसी भी पदार्थ के किसी भी द्रव्य की क्वालिटी को हम गुण कहते हैं, इसलिए गुण को अगुणवान कहा गया है। संयोग और विभाग यानी कि एक प्रकार से कर्म हो रहा है, में अनपेक्ष अपेक्षा रहित, अकारण कारण नहीं हो उसे गुण कहते हैं। इसमें अकारण इसलिए कहा गया है क्योंकि संयोग विभाग में कर्म कारण होता है। जो संयोग और विभाग जो हो रहा है वो कर्म है, जिसका कि कारण कर्म है, गुण नहीं होता। गुण द्रव्य की होती है और उसी क्वालिटी की वजह से वो द्रव्य कर्म करता है और उसी कर्म को संयोग या विभाग कहा गया है। और गुण अगुणवान होता है, जैसे कि रस आदि गुण के गुण नहीं होते, द्रव्य के होते हैं, अगुणवान। अर्थात जैसे रस जो बताए गए हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये जो हैं ये सारे गुण कहे गए हैं, लेकिन ये गुण के नहीं होते, ये द्रव्य के होते हैं, किसी भी पदार्थ के होते हैं, इसीलिए इसे अगुणवान कहा गया है। और भी व्याख्याएं गुण के किए गए हैं, जैसे कारिकावली में कहा गया है अथ द्रव्य आश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा, अर्थात जो द्रव्य आश्रित है, जो निर्गुण है तथा निष्क्रिय यानी क्रिया रहित हो उसे गुण कहते हैं। रस वैशेषिक में गुण के लक्षण बताए गए हैं विश्व लक्षणा गुणा,
अर्थात जिनके भिन्न भिन्न लक्षण हो, बहुत सारे लक्षण हो, उन्हें गुण कहा जाता है। प्रशस्त पाद में गुण के लक्षण की व्याख्या की गई है, गुणत्व जातिमत्वम गुण सामान्य लक्षणम, अर्थात गुणत्व जाति वाले को गुण कहते हैं। विषय है द्रव्य एवं गुण का साधर्म, मतलब द्रव्य यानी जो भी पदार्थ है और उसमें मौजूद होता है गुण, इन दोनों में क्या समानता होती है। तो हमने पहले भी देखा है कि गुण जो है वो कारण होता है किस चीज का, दूसरे गुण को बनाने का। वैसे द्रव्य जो होता है वो भी दूसरे द्रव्य को बनाता है, उसके उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हम प्रोसेसिंग करते हैं। तो एक द्रव्य होगा वो फिर दूसरे द्रव्य को बनाता है, एक सिंगल द्रव्य है हम प्रोसेसिंग करके दूसरे द्रव्य बनाते हैं, दो द्रव्यों को मिला के हम एक नया द्रव्य बनाते हैं। तो उसी प्रकार से जो गुण भी होते हैं वो भी अपने आप से दूसरे गुण को बनाते हैं, यही दोनों में साधर्म्य है। द्रव्य दूसरे द्रव्य को अपने में से बनाता है एवं गुण भी अपने से अन्य गुण को बनाता है। गुण का वर्गीकरण एवं संख्या। न्याय दर्शन के अनुसार गुण की दो संख्या बताई गई है, धर्म और अधर्म। वैशेषिक दर्शन के अनुसार कुल 24 गुण बताए गए हैं। वैशेषिक दर्शन जो मूल ग्रंथ है उसमें 17 बताए हैं और फिर उसके जो टीकाकार रहे हैं उन्होंने 7 गुण और बताए हैं। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन के अनुसार कुल 24 गुण हो जाते हैं। और ये जो गुण है वैशेषिक दर्शन के अनुसार वो है रूप, रस, गंध, स्पर्शाह यानी स्पर्श, संख्या, परिमाणानि, पृथकत्वम, संयोग, विभागौ, परत्व, अपरत्वे, बुद्धयः, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, ये सभी वैशेषिक ने गुण बताए हैं। ये आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, इससे आपको याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। इसमें आप ये देखेंगे ये जो ब्लू कलर वाले जो हैं यहाँ से लेकर ये मूल वैशेषिक दर्शन का जो ग्रंथ है उसमें ये 17 गुण बताए हैं। और ये जो गोल्डन कलर में जो हैं गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द, ये जो 7 हैं ये वैशेषिक दर्शन के टीकाकारों ने बताए हैं। महर्षि चरक के अनुसार कुल 41 गुणों का वर्गीकरण किया गया है, उनकी संख्या 41 बताई गई है। सार्था गुरुवादयो बुद्धिः प्रयत्नान्ताः परादयः गुणा प्रोक्ता। ये सूत्र आप याद कर लीजिए, इससे आपको उसकी वर्गीकरण और संख्या लिखने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। अर्था सा अर्थ मतलब अर्थ के साथ, और ये है 5 अर्था क्या क्या है ये भी महर्षि चरक ने सारे स्थान में बताया है। अब हम इसको विस्तार में देखते हैं। अर्था टोटल 5 है और इसका सूत्र है अर्थाः शब्दादयोगेया गोचरा विषया गुणाः। महर्षि चरक ने शारीरिक स्थान में अर्थ में क्या क्या गुण आ रहे हैं, कौन कौन से 5 हैं उसका बताया गया है। और ये हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनका एक एक करके हम आगे विस्तार से देखेंगे। और ये जो अर्थ है 5, इन्हें
वैशेषिक गुण कहा गया है क्योंकि ये पांच गुण महाभूतों के प्रधान गुण होते हैं और इसी वजह से इनकी प्रधानता रहती है किसी भी द्रव्य में, और इसीलिए इसको वैशेषिक गुण कहा गया है। गुरुवादयः, अभी हम ये जो श्लोक था कौन सा, ये वाला श्लोक, सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांताः परादयः गुणाः प्रोक्ताः, इसका हम एक एक शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। अर्था हमने देख लिया, अब हम देख रहे हैं गुरुवादयो। गुरुवादयः 20 है और ये क्या क्या है, गुरुवादयस्तु गुरु लघु शीतोष्ण स्निग्ध रुक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिच्छिल श्लक्ष्ण खर स्थूल सूक्ष्म सांद्र द्रवाह विंशति, मतलब 20 गुरुवादि गुण बताए गए हैं। अब हम इन गुणों का अर्थ देखकर समझते हैं कि क्या होता है, विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे। गुरु लघु भारी हल्का, शीत उष्ण ठंडा गर्म, स्निग्ध रुक्ष रूखापन और चिकनापन, मंद तीक्ष्ण स्लो फास्ट, स्थिर सर मृदु कठिन, विशद पिच्छिल श्लक्ष्ण खर स्थूल सूक्ष्म, इसमें चींटी जो है वो सूक्ष्म है और हाथी स्थूल है, सांद्र द्रव, ये कुल 20 गुरुवादि गुण है। क्योंकि महाभूतों में ये सामान्यतः होते हैं, इसी वजह से इन्हें सामान्य गुण कहा गया है। हमने इसके पहले जो देखा था अर्थाह, वो वैशेषिक गुण थे, वो महाभूतों में प्रधान रूप से होते हैं, इसीलिए उनको वैशेषिक गुण कहा गया है। ये महाभूतों में सामान्य रूप से होते हैं, इसकी प्रधानता उतनी नहीं है, इसीलिए इसे सामान्य गुण कहते हैं। अगला है बुद्धि अर्थात ज्ञान, स्मृति चेतना धृति एवं अहंकार बुद्धि विशेष होने के कारण इनका बुद्धि में ही समावेश किया गया है। कुछ अन्य ग्रंथकारों ने स्मृति चेतना आदि को अलग से गुण में बताए हैं, लेकिन महर्षि चरक ने इन सभी को बुद्धि विशेष होने के कारण बुद्धि के अंतर्गत रखकर सिर्फ एक बताया है। प्रयत्न अंत, ये 5 होते हैं, जिसके अंत में प्रयत्न हो, इच्छा होती है, उसके बाद हम उसकी पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करते हैं, अर्थात इच्छा के अंत में प्रयत्न हुआ, इसीलिए यह प्रयत्न अंत के अंडर में इसको क्लासिफाई किया गया है। द्वेष, किसी से हमें द्वेष होता है तो हम कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं। सुखम, सुख होता है, हम उसकी भी प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी प्रयत्न हुआ किसी ने किसी प्रकार का। दुखम, दुख होता है, हम विषाद ग्रसित होते हैं। प्रयत्न चेतना धृति ही, ये 5 प्रयत्न अंत बताए गए हैं। बुद्धि ही स्मृति अहंकारो लिंगानी परमात्मनः, इच्छा द्वेष सुख दुख और प्रयत्न, ये प्रयत्न अंत हैं और बुद्धि सहित ये प्रयत्न अंत आत्मगुण कहे गए हैं। क्योंकि बुद्धि और इच्छा आदि ये जो टोटल 6 हैं, इनका आत्मिक जगत से संबंध होता है, इसीलिए इसे आत्मगुण या आध्यात्मिक गुण कहते हैं। परादयः,
परादयः में क्या क्या है? परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एवच विभागश्च पृथकत्वं च परिमाणं अथापि च संस्कारो अभ्यास इत्येते गुणा गेयः परादयः। ये महर्षि चरक ने सूत्र स्थान में परादि में जितने भी 10 गुण बताए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, और ये 10 सामान्य गुण होते हैं, गुर्वादि गुणों की भांति इनकी अधिक उपयोगिता नहीं होती है। बुद्धि आदि जो आत्मगुण की प्रधानता रहने के कारण इन्हें अंत में कहा गया है। इनका अर्थ आप देखिए, परत्व यानी प्रधान, ये प्रधान होता है, अपरत्व यानी अप्रधान, युक्ति यानी योजना, हम किसी प्रकार की युक्ति करते हैं, योजना करते हैं, उसे भी गुण कहा गया है, संख्या संयोग, विभाग यानी विभक्ति विभाजन, पृथकत्व परिमाण संस्कार अभ्यास, ये कुल 10 परादि सामान्य गुण होते हैं। अब आप देखिए इस फ्लो चार्ट से, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा ताकि आपको ये याद रहे। गुण, इसके वर्गीकरण हम कैसे कर रहे हैं, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आधि भौतिक को सामान्य और विशिष्ट इस तरीके से 2 वर्गों में बांटा है, और सामान्य गुणों में गुर्वादि 20 जो कि शारीरिक गुण भी होते हैं, और परादि 10, ये कुल 30 सामान्य गुण है, और आध्यात्मिक गुणों में कुल 6 हैं, इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न और बुद्धि। गुर्वादि शारीरिक गुण 20 हैं, गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिच्छिल श्लक्ष्ण खर स्थूल सूक्ष्म सांद्र द्रव। परादि 10, परत्व अपरत्व युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथकत्व परिमाण संस्कार और अभ्यास। विशिष्ट 5 गुण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये कुल 41 गुण महर्षि चरक ने वर्गीकृत किए हैं। अब 41 गुणों का हम संक्षिप्त विवरण देखते हैं। शब्द, श्रोत इंद्रिय ग्राह्य गुण, जो हमारी कर्म इंद्रिय होती हैं, उनमें से जो श्रोत इंद्रिय है वो जिस गुण का ग्रहण करती है उसे शब्द कहते हैं। ये आकाश महाभूत का गुण होता है, इसके 2 भेद हैं, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। जो ध्वनि होती है वो है, जैसे कि भेरी शंख आदि जो बाजा बजाने से जो शब्द उत्पन्न होता है वो ध्वन्यात्मक शब्द कहा गया है, और कंठ से संस्कृत भाषा आदि रूप से जो शब्द निकलता है वह वर्णात्मक शब्द कहा जाता है। स्पर्श, त्वग इंद्रिय यानी त्वचा के द्वारा जो गुण ग्राह्य है उसे स्पर्श कहते हैं, इसके 3 भेद हैं, शीत उष्ण और अनुष्ण शीत, यानी ना उष्ण ना शीत। अब जो महाभूत हैं उनमें हम इसको समझते हैं कि ये जो 3 भेद स्पर्श के बताए हैं वो किस महाभूत में कौन सा गुण होता है। जल शीत होता है, अग्नि उष्ण, वायु और पृथ्वी अनुष्ण शीत। आकाश महाभूत को किसी भी प्रकार से हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से उसमें स्पर्श गुण नहीं होता है। तीसरा है रूप, चक्षु इंद्रिय
यानी नेत्रों के द्वारा जो गुण ग्राह्य होता है उसे रूप कहते हैं। इसके कुल 7 भेद हैं, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र। ये तर्क संग्रह में, तर्क संग्रह से हमने ये सारी व्याख्या ली है। और पृथ्वी, जल और अग्नि महाभूत का गुण है रूप। हम वायु और आकाश को हम नहीं देख पाते हैं, यानी चक्षु इंद्रिय के द्वारा उसका ग्रहण नहीं किया जाता है, इसीलिए पृथ्वी, जल और अग्नि ये 3 महाभूत के गुण होते हैं रूप। अगला है रस। रसना इंद्रिय यानी हमारी जीभ के द्वारा जो गुण ग्राह्य होता है उसे रस कहते हैं। ये कुल 6 हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। पृथ्वी और जल महाभूत का गुण होता है। आकाश, अग्नि और वायु में ये गुण नहीं है। गंध, घ्राण यानी कि नाक, नाक के द्वारा जो गुण ग्राह्य होता है वो गंध गुण है। इसके 2 भेद हैं, सुगंध और दुर्गंध। पृथ्वी महाभूत का ये गुण होता है। आप इस टेबल से आप समझिए, वो जो अभी हमने पढ़ा है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 गुण है जो कि वैशेषिक गुण होते हैं। महाभूतों में इनकी प्रधानता होती है, इसकी वजह से कोई भी द्रव्य अपने जो भी कार्य हमारे शरीर में करते हैं उसमें इन गुणों की बहुत ही अधिक महत्ता होती है। और इसमें आप देखिए कि जो शब्द है वो श्रोत इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है, स्पर्श त्वग इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है, रूप चक्षु यानी नेत्रों के द्वारा, रस रसना यानी कि जिह्वा के द्वारा, गंध घ्राण यानी कि नाक के द्वारा ग्रहण किया जाता है। शब्द गुण आकाश महाभूत में पाया जाता है या आकाश महाभूत का गुण है। स्पर्श जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी, इनको हम छू सकते हैं, इस तरीके से आप याद कीजिए। रूप पृथ्वी, जल और अग्नि, इन्हें हम देख सकते हैं इन महाभूतों को, इसलिए उसके गुण है। पृथ्वी और जल ये रसना यानी जीभ के द्वारा हम चख सकते हैं, और गंध पृथ्वी यानी कि हम उसको सूंघ सकते हैं, इसीलिए वो पृथ्वी महाभूत का गुण है। अब इनके भेद देखिए, शब्द के ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक 2 भेद हैं, स्पर्श का शीत उष्ण और अनुष्णाशीत, ये 3 भेद हैं। और रूप के भेद 7, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र। रस 6 हैं, षडरस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। गंध 2 हैं, सुगंध और दुर्गंध। गुरुवादी गुण, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, इससे आपको याद हो जाएगा, एक विजुअल इम्प्रेशन बनने लग जाएगा। और आसान है, दिखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन आसान है, आप इसका अर्थ समझेंगे तो आपको ये जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। इसको हम विस्तार से आगे देखेंगे। अब इसमें देखिए, गुरु जो गुरुवादी 20 गुण है, गुरु उसको हम आज की भाषा में, या आप ये कहिए आंग्ल भाषा इंग्लिश में, हैवीनेस कहते हैं। भौतिक स्वरूप भारीपन, भौतिक संगठन यानी किन महाभूतों में ये गुण पाया जाता है तो वो है पृथ्वी और जल, और इसका मुख्य कर्म ब्रिंहण करना, संतर्पण करना, पोषण करना होता है। इसका उदाहरण मांस यानी उड़द और मूसली, सफेद मूसली, काली मूसली, जो कि शरीर का पोषण करे। अश्वगंधा भी इसमें आ जाएगा। लघु यानी लाइटनेस, हल्कापन, वायु, आकाश और अग्नि महाभूत का गुण है, और ये शरीर में लंघन करता है। ये जो मुख्य कर्म है ये हमारे शरीर में इन गुण से प्रधान द्रव्यों का अगर हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में इनका क्या मुख्य कर्म होता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। यही गुरुवादी गुण जो हैं उनके कर्म होते हैं।
और इसके उदाहरण मुद्ग यानी मूंग और लाजा। ये शरीर में हल्कापन उत्पन्न करता है, शीघ्र पाकी होते हैं, जल्दी पच जाते हैं। शीत यानी कोल्ड, जिससे ठंडक का एहसास होता है, जो कि जल है। जल महाभूत का विशिष्ट गुण है। स्तंभन कर्म करता है जैसे चंदन। उष्ण हीट गर्मी अग्नि महाभूत का गुण है। स्वेदन कर्म करता है जैसे चित्रक। स्निग्ध अंग टू अस्नेस चिकनापन जल महाभूत का गुण है। क्लेदन कर्म करता है और घृत इसका उदाहरण है। रुक्ष नॉन अंग टू अस्नेस रूखापन पृथ्वी वायु और अग्नि शोषण करता है, उदाहरण है यव। मंद डलनेस सुस्ती पृथ्वी जल शमन कर्म, उदाहरण है गिलोय। तीक्ष्ण शार्पनेस तेजी अग्नि महाभूत का गुण है। शोधन कर्म करता है, उदाहरण है जयपाल। स्थिर इमोबिलिटी गतिहीनता पृथ्वी महाभूत का गुण। धारण कर्म करता है शरीर में, उदाहरण है जायफल और कुटज। सर मोबिलिटी गतिशीलता वायु महाभूत का गुण है। प्रेरण कर्म करता है शरीर में, उदाहरण है सनाय और लहसुन। मृदु सॉफ्टनेस मुलायम जल और आकाश महाभूत का गुण है। श्लथन कर्म करता है, उदाहरण है अरंड तेल और सैंधव। कठिन हार्डनेस कड़ापन पृथ्वी महाभूत का गुण। दृढ़ीकरण कर्म और उदाहरण है प्रवाल। विशद क्लैरिटी स्वच्छता पृथ्वी वायु अग्नि और आकाश महाभूत का गुण है। छालन कर्म, उदाहरण है गुगुल। पिछिल स्लिमिनेस लुवावदार जल महाभूत का गुण। लेपन कर्म, उदाहरण इसबगोल। श्लक्ष्ण स्मूदनेस चिकनापन जल महाभूत का गुण। रोपण कर्म दुग्ध पाषाण, उदाहरण है। खर रफनेस रूखापन वायु महाभूत का गुण। लेखन कर्म, उदाहरण करंज। सूक्ष्म फाइननेस छोटापन अग्नि वायु और आकाश महाभूत का गुण। विवरण कर्म, उदाहरण मध्य। स्थूल बल्किनेस मोटापन पृथ्वी महाभूत का गुण। संवरण कर्म दधि, उदाहरण है। सांद्र सॉलिडिटी गाढ़ापन जल महाभूत के गुण। प्रसादन कर्म और उदाहरण मक्खन। द्रव फ्लूडिटी पतलापन जल महाभूत का गुण। कर्म है विलोडन, उदाहरण जल और दुग्ध। इसको आप पढ़ेंगे, आप इमेजिन भी कीजिए, साथ ही साथ उदाहरण को आप विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, और उसके गुण हमारे शरीर में किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं वैसे आप समझने की कोशिश कीजिए। गुरुआदि गुण 20 है, बहुत सरल है। इसका चिकित्सा के दृष्टिकोण से महत्व है, और किसी भी द्रव्य किसी भी औषधि उसमें क्या क्या गुण होते हैं, वो हमारे शरीर में क्या प्रभाव दिखाते हैं, यदि हम इन गुणों का ज्ञान रखेंगे तो उनको हमें समझने में आसानी होगी। आगे जो द्रव्य गुण विज्ञान है उसमें भी हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पदार्थ विज्ञान के हिसाब से इतना पर्याप्त है। आगे देखिए, 5 हमने पढ़ लिया है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। अब हम गुरुवादि गुण आ रहे हैं जो कि कुल 20 है। 6 और 7 नंबर में आ रहा है गुरु लघु। 7 दोप्लेप बलकृद गुरुस्तर्पण ब्रिंहण लघुस्तद विपरीत श्यालेखनो रोपणस्तथा। ये महर्षि सुश्रुत ने गुरु लघु की परिभाषा या उसके उसके कर्म बताए हैं कि शरीर में उनका क्या कर्म होता है, आप उसको समझिए। गुरु यानी भारी, गुरु गुण की वजह से अंग ग्लानि मल वृद्धि, और गुरु गुण बल प्रदान करता है
तर्पण करता है, ब्रिंघण करता है, और इसके विपरीत लघु यानी हल्का गुण होता है जो कि लेखन और रोपण करता है। शीत उष्ण लादनः स्तंभनः शीतो मूर्छा त्रिट श्वेदाह जित। उष्णस्तद विपरीतः स्यात् पाचनश्च विशेषतः। इसका अर्थ आप देखिए, शीत गुण सुखकारी और स्तंभन होता है, मूर्छा तृषा यानी कि प्यास पिपासा, स्वेद और दाह को नष्ट करता है, दाह जित यानी उसको नष्ट करता है, उसमें विजय प्राप्त करता है। उष्ण उसके विपरीत है और विशेषकर व्रण आदिकों का पाचन करता है। उष्ण की वजह से ही दीपन पाचन कर्म होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। हम ये सारे अभी पदार्थ विज्ञान के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। विस्तार से सेकंड प्रोफेशनल में जो द्रव्य गुण विषय है उसमें इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। स्निग्ध रुक्ष स्नेह मार्दव कृत स्निग्धो बल वर्ण करस तथा रुक्षस्तद विपरीतः स्याद विशेषात स्तंभनः खरः। देखिए श्लोक अगर आप याद कर लेते हैं तब अच्छा है, इससे आपको कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी इसकी व्याख्या उसका अर्थ आप समझिए, इसको पॉइंट्स बना के आप नोट्स बनाइए, एक एक पॉइंट किसी तुष्ण का क्या है, स्निग्ध रुक्ष का क्या है, तो उससे आपको याद रखने में आसानी होगी। इसका अर्थ है स्निग्ध यानी चिकना गुण स्नेह आदि तथा मृदुता करता है एवं बल और वर्ण कारक है, रुक्ष इसके सर्वथा विपरीत है, यह विशेषकर अतिसार आदि में स्तंभन और स्तंभन कर्म करता है और साथ में ये खर यानी कर्कश होता है। मंद तीक्ष्ण मंदो यात्रा कर स्मृतः दाह पाक करस तीक्ष्ण श्रावण। यानी मंद चिरकारी मतलब अधिक समय लगता है, मंद गुण मंद होने के कारण अपना कर्म मंद गति से करता है, शरीर स्थायी होने से देह की यात्रा करता रहता है। शरीर स्थायी मतलब कि वो काफी समय तक अपना कर्म करता है शरीर में, और यात्रा करह इसलिए बताया गया है क्योंकि वो देह की यात्रा करते रहता है, उसका से मंद द्रव्यों का सेवन करते हैं तो बहुत समय तक, जैसे हम सस्टेंड रिलीज जो समझते हैं बस उसी प्रकार से है ये। तीक्ष्ण शीघ्र कर्म करने वाला पित्त प्रधान होता है ये, और इसी वजह से दाह पाक और श्राव करने वाला होता है। स्थिर सर सरो अनुलोमनः प्रोक्तः। यानी सर जो है सरगुण व्याप्तशील होता है, अनुलोमक होता है, वात का अनुलोमन करता है। स्थिरो वातमल स्तंभी सरस्तेसाम प्रवर्तकः। भाव प्रकाश में यह व्याख्या की गई है। स्थिर जो है वो अव्याप्तशील होता है, वात एवं मल का स्तंभन करता है, और सर जो है सरगुण उनका प्रवर्तक होता है, वात और मल का प्रवर्तक परिवर्तन करता है, उसका अनुलोमन करता है सरगुण, और वात और मल का स्तंभन करता है स्थिर गुण। मृदु कठिन यस्य द्रव्यस्य श्लथने कर्मणि शक्तिः स मृदुः दृढ़ने कठिनः। हिमाद्री ने ये व्याख्या की है, जिस द्रव्य की शिथिलीकरण कार्य में शक्ति हो वह मृदु यानी मुलायम है, और जो दृढ़ करता है वो कठिन गुण है। विशद पिच्छिल पिच्छिलो जीवनो बल्यह संधान
श्लेष्मलो गुरुः। विशदो विपरीतो अस्मात् क्लेदाचूषण रोपणः। अर्थात पिच्छिल यानी लुवाबदार गुण, प्राण धारण, बल कारक, भग्न आदि को जोड़ने वाला श्लेष्मक यानी कफ बढ़ाने वाला और गुरु होता है। अब देखिए इसमें जो पिच्छिल है उसमें गुरु गुण भी है, वो भारी होता है। एक गुण से दूसरे गुण की उत्पत्ति का ये उदाहरण है। विशद यानी स्वच्छ, पूर्व से विपरीत यानी कि पिच्छिल का विपरीत होता है। आजीवन, असंधान, अश्लेषी, आर्द्री भाव, विनाशक और रोपक होता है। श्लक्षण खर, श्लक्षण पिच्छिलाभज्ञेय कर्कशो विषदो यथा। अर्थात जो श्लक्षण यानी चिकना पिच्छिल की भांति होता है और विषद जो है विषद की भांति ही खर यानी कर्कश होता है, जिसमें लेखन की शक्ति होती है उसे खर कहते हैं। स्थूल सूक्ष्म, स्थूल करो देह श्रोतश आम अवरोध कृत देहस्य सूक्ष्म छिद्रेषु विषेद यत सूक्ष्मम उच्यते। अर्थात स्थूल गुण देह को स्थूल करता है और स्रोतों का अवरोध करता है। सूक्ष्म गुण स्रोतोगामी होता है और देह के सूक्ष्म छिद्रों में भी प्रवेश करता है। सांद्र और द्रव, द्रवः प्रक्लेदनः सांद्रः स्थूल स्याद बंधकारकः। अर्थात द्रव यानी पतला, द्रव गुण प्रक्लेदन अर्थात आर्द्र करता है और सांद्र गाढ़ा बंधकारक या उपचयकारक होता है। अगला जो आध्यात्मिक गुण है उसमें है पहला इच्छा, इच्छा कामः, कामः इति पर्यायः। इच्छा का पर्याय है काम, कामना करना, इच्छा करना, ये दो जिसके दो प्रकार हैं, फल इच्छा उपाय इच्छा। फल इच्छा क्या है और उपाय इच्छा क्या है इसको समझते हैं। किसी सत्कार्य के संपन्न करने से जो सुंदर एवं सुखदायक फल की प्राप्ति होती है, अर्थात जिसके फल की प्राप्ति से किसी प्रकार का दुख नहीं अपितु सुख होता है, उस सुख स्वरूप फल की इच्छा अर्थात सुख की इच्छा फल इच्छा कही गई है। फल ज्ञान इसका कारण है और उपाय इच्छा यज्ञ आदि जो हम यज्ञ हवन आदि करते हैं, अर्थात किसी कार्य की संपन्नता हेतु उस कार्य के साधन स्वरूप यज्ञ आदि करने की इच्छा उपाय इच्छा कही जाती है। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये काम अच्छे से हो जाए, पूरी तरह से निपट जाए सफलतापूर्वक, उसके लिए हम जो भी योजना कर रहे हैं, जैसे यज्ञ करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, ग्रह शांति पाठ करवा रहे हैं, तो इन्हें ही उपाय इच्छा कही गई है। ये उपाय है, सफलता प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं, इसीलिए इसे उपाय इच्छा कहते हैं। द्वेष, प्रज्वलनात्मको द्वेषः, जिसके होने पर अपने आप को प्रज्वलित की भांति मानता है वह द्वेष है। किसी के मन में द्वेष हो जाने पर वह प्रज्वलनात्मक हो जाता है, अतः द्वेष प्रज्वलनात्मक स्वरूप कहा गया है। तर्क संग्रह में भी क्रोधो द्वेषः अर्थात क्रोध ही द्वेष है ऐसा कहा गया है। सुख, सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम। तर्क संग्रह की ये परिभाषा है, अर्थात सभी
इष्ट मित्र और शत्रु का जो प्रिय जनक हो वह सुख है। सर्वेषां, इसका अर्थ यही होता है कि इस कथन में ये बताया कि चाहे शत्रु हो चाहे मित्र, उन सभी का ग्रहण इसमें हो, उन सभी से जो हमें सुख अनुकूल, उन सभी से जो हमें अनुकूल वेदनीय, मतलब उन सभी से जो हमें अनुकूलता मिलती है, जो अनुकूल एहसास होता है, उसे सुख कहते हैं। दुख सुख का विपरीत है। बाधना लक्षणम दुखम इति। बाधना यानी पीड़ा, पीड़ा स्वरूप यानी जो प्रतिकूल हमें जान पड़ता है उसे हम दुख कहते हैं। जो सभी इष्ट मित्र तथा शत्रु का अप्रियजनक हो उसे दुख कहते हैं। दुख जो होता है वो अधर्म जन्य है, अर्थात अधर्म करने से दुख उत्पन्न होता है। यह सभी के प्रतिकूल, दुख के ज्ञान से ही दुख स्वाभाविक रूप से सभी के द्वेष का विषय अर्थात सभी को अप्रिय हो जाता है। प्रयत्न कृति ही प्रयत्न, कृति ही प्रयत्न उद्योग है। ये तीन प्रकार का होता है, प्रवृत्ति निर्वृत्ति जीवन कारण यानी जीवन योनि। बुद्धि सर्व व्यवहार हेतुर गुणों बुद्धिर ज्ञानम, परत्व और अपरत्व देश काल वयो मान पाक वीर्य रसादिषु परत्व अपरत्वे। सामान्यतः परत्व शब्द से श्रेष्ठत्व, उत्कृष्टत्व, प्रधानत्व और अपरत्व शब्द से निष्कृष्टत्व, अप्रधानत्व का बोध होता है। देश काल वय मान पाक वीर्य रस आदि शब्द से प्रकृति और बल के व्यवहार हेतु परत्व अपरत्व जो गुण है वह परत्व अथवा अपरत्व कहा जाता है। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे जो मरुदेश है, मरुस्थल है, वो पर है और अनूप यानी कि जो वहाँ पर जल या कफ की प्रधानता होती है वो अपर है। विसर्ग काल पर है और आदान काल अपर है। तरुण अवस्था पर है, इसके भिन्न जो भी है वो अपर है। इसी प्रकार पाक वीर्य तथा रस आदि में भी जो जिसके यौगिक हैं वो पर है और अयौगिक है वो अपर है। जिसके लिए जो उपयोगी है वो पर है और उसके भिन्न है, अनुपयोगी है, वो अपर है। परत्वम प्रधानत्वम अपरत्वम अप्रधानत्वम। युक्ति युक्तिश्च योजना यातु युज्यते। आदि में यानी प्रारंभ में जो योजना होती है वो युक्ति कही जाती है। दोष देश प्रकृति बल तथा काल आदि को देखकर औषधि की जो सबसे अधिक या सबसे श्रेष्ठ जो कल्पना अर्थात योजना की जाती है वो युक्ति कहलाती है। संख्या स्याद गणितम, एक दो तीन इस प्रकार जो संख्या गिनी जाती है उसे हम संख्या कहते हैं। किसी का भी वर्गीकरण करना है, किसी के टाइप्स बताने हैं, वो सभी संख्या के अंतर्गत आते हैं। संयोग योगः सह संयोग उच्यते। द्रव्याणां द्वंद्व सर्वैकम् सर्वैक कर्म जो अनित्य एव च। दो या अधिक द्रव्यों का योग अर्थात परस्पर मेल, साथ में मिलाना ही संयोग कहा जाता है। यह संयोग द्वंद्व यानी दो, सर्व अर्थात सभी तथा एक द्रव्य के कर्म से उत्पन्न होता है और यह अनित्य होता है। जैसे युद्ध करते हुए दो भेड़ों का संयोग द्वंद्वज कर्म है, यह दो की चेष्टा से होता है, इसी प्रकार किसी एक पात्र में डाले हुए अनेक उड़दों का संयोग सर्व कर्मज है। अगर हम किसी बर्तन में उड़द डाल रहे हैं तो उसमें बहुत सारे उड़द हैं, वो इकट्ठे हो गए,
उनका संयोग सर्वकर्मज होता है, तथा वृक्ष और काक संयोग, अगर किसी वृक्ष में काक बैठा है तो वो एक कर्मज है, क्योंकि वो काक के कर्म से दोनों का संयोग हो रहा है। यह संयोग अनित्य होता है, विभाग होते ही नष्ट हो जाता है। विभाग, विभागस्तो विभक्ति ही स्याद वियोगो भागशो गृह। संयोग का विभक्ति यानी विभाजित हो जाना ही विभाग है, संयोग का वियोग ही विभाग है। तात्पर्य यह है कि जिसके द्वारा संयोग का नाश होता है, अर्थात संयोग विभाजित होता है, उस गुण को विभाग कहते हैं। पृथकत्व, पृथकत्वम स्याद संयोगो वैलक्षण्यम अनेकता। जैसे कि आप समझिए, यह द्रव्य घट यानी घड़ा है, और यह पुस्तक है, यह कलम है। इस प्रकार से जो हमें यह ज्ञान हो रहा है कि ये अलग अलग हैं, इसे ही पृथकत्व गुण कहते हैं। ये तीन प्रकार के हैं, असंयोगात्मक, वैलक्षणात्मक और अनेकात्मक। उदाहरण से समझिए, जैसे मरुस्थल और हिमालय पर्वत असंयुक्त रहते हैं, ये असंयोगात्मक पृथकत्व है। वैलक्षणात्मक में आप देखिए कि उनके लक्षण अलग अलग होंगे, लेकिन एक ही प्रकार, ऐसे स्वरूप में दिखने में एक जैसा होगा, जैसे कि भैंस हो गया, गाय हो गई ना, इनमें वैलक्षणात्मक पृथकत्व होता है। और अनेकात्मक पृथकता क्या है, जैसे कि एक ही जाति के हैं, जैसे मान लो हमने उड़द का उदाहरण लिया, उसमें कोई विशिष्ट लक्षण तो नहीं है, एक एक आप दाने देखेंगे तो सारे एक से ही, लेकिन उसके बाद भी वो अलग अलग होते हैं, आप एक एक दाने को अलग कर सकते हैं, इनमें अनेकात्मक पृथकता होती है। परिमाण, परिमाणम पुनर्मानम, किसी को माप कर या तौल कर जो मान लिया जाता है वह परिमाण होता है। इसके चार प्रकार होते हैं, अणु, महत, दीर्घ और हर्ष। अणु मतलब छोटा, महत यानी बड़ा, दीर्घ यानी लंबा और हर्ष यानी छोटा। संस्कार, संस्कारः करणम मतम, किसी में अन्य गुणों का आधान करण संस्कार कहलाता है। करणम पुनः स्वाभाविकानाम द्रव्याणाम अभिसंस्कारः, संस्कारो हि गुणांतरधानम उच्यते। महर्षि चरक ने संस्कार की परिभाषा बताई है, स्वाभाविक द्रव्यों का अन्य गुणों के आधान के लिए अभिसंस्करण करण है, और इसे हम संस्कार कहते हैं। अन्य गुणों का आधान संस्कार कहलाता है। वे गुण जल, अग्नि, सन्निकर्ष, शौच, मंथन, देश, काल, भावना यानी स्वरस आदि की जो भावना दी जाती है, काल प्रकर्ष संस्कार हेतु निर्धारित जितना समय लगना है, उसके आधान से जो भी हम उसमें किसी भी द्रव्य के गुण में परिवर्तन कर रहे हैं उसे ही संस्कार कहते हैं। संस्कार तीन प्रकार का होता है, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। वेग क्या होता है, वेग स्वरूप संस्कार पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में है, इसकी वजह से इसमें गति प्रवाह उत्पन्न होती है, उसे वेगाख्य संस्कार कहते हैं। भावना, भावना रूप संस्कार वह संस्कार है जो अनुभव से उत्पन्न और स्मरण का कारण है, यह भावना केवल आत्मा में ही रहती है। स्थिति स्थापक, जिस संस्कार से दूसरी अवस्था में प्राप्त वस्तु पुनः अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाए वह स्थिति स्थापक संस्कार है। स्थिति स्थापक को आप उदाहरण से समझिए, जैसे कि चटाई है, चटाई लपेटी हुई रखी हुई है, हमने उसको फैला दिया
बैठने के काम आ गया, लेटने का काम आ गया, वापस फिर हम उसको मोड़ के लपेट के रख देते हैं। स्थिति स्थापक, और उसी तरीके से जैसे कोई वृक्ष की शाखा है, हमने फल तोड़ने के लिए उसको हाथ में पकड़ के नीचे झुकाया, फल तोड़ा और छोड़ दिया, वो वापस अपनी स्थिति को प्राप्त हो गई। ये स्थिति स्थापक संस्कार होते हैं। अगला है अभ्यास, भाव अभ्यसनम अभ्यास शीलनम सतत क्रिया। पदार्थों का बारंबार अभ्यास करना, सेवन करना, जैसे व्यायाम हम बार बार करते हैं उसका अभ्यास, शीलन एक ही पदार्थ का अनुशीलन करना, सतत क्रिया एक ही क्रिया को बार बार करना, यह अभ्यास कहलाता है। और अभ्यास के पर्याय क्या क्या हैं? अभ्यसन, शीलन और सतत क्रिया, ये अभ्यास की परिभाषा हो गई, ये तीन उसके पर्याय हो गए। अब हम पढ़ेंगे महागुण। गुण हमने पढ़ लिया, 41 गुण है। महागुण किन्हें कहे गए हैं? सत्वम रजस तमस चेति त्रयः प्रोक्ता महागुणा। ये महर्षि वाग्भट के अनुसार महागुण की परिभाषा है। सत्व, रज और तम, इन तीनों को महागुण कहे गए हैं। अब अगला टॉपिक है गुणों की उपयोगिता, प्रयोगात्मक उपयोगिता क्या क्या है। हमने ये जो गुण पढ़े हैं इसकी काम क्या आने वाले हैं? शब्दादि गुणों की क्या उपयोगिता है? असात्म इंद्रियार्थ संयोग को रोग उत्पत्ति का एक प्रधान कारण माना गया है। शब्दादि का यानी शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनका हीन योग, मिथ्या योग, अति योग रोग का कारण होता है, और इनका संयोग आरोग्य का कारण होता है। इसीलिए शब्द आदि का अगर हमें ज्ञान होगा तो हम असात्म इंद्रियार्थ संयोग की वजह से अगर कोई रोग उत्पन्न हुआ है तो हम उसको समझ पाएंगे, उसका निराकरण कर पाएंगे। गुर्वादी गुणों की क्या उपयोगिता है? शरीर के धातुओं, औषधियों एवं आहार द्रव्यों में गुरुवादी गुण होते हैं, महाभूतों से बने हुए हैं, महाभूतों का सामान्य गुण है, सामान्य विशेष सिद्धांत इन पर लागू होता है। सामान्य विशेष सिद्धांत क्या है? सर्वदा सर्वभामानं सामान्यं वृद्धि कारणं, अर्थात एक ही प्रकार के गुणों से युक्त हम पदार्थों का सेवन करेंगे तो वो हमारे शरीर में उस प्रकार के गुण की वृद्धि करेगा। जैसे अगर हम गुरु पदार्थ का सेवन ज़्यादा करेंगे तो हमारा शरीर भारी होगा, गुरु पदार्थ का सेवन करेंगे तो जो शरीर में जो महाभूत हैं जिनमें गुरु गुण होता है उसकी वृद्धि करेगा। गुरु पदार्थ के सेवन से मांस और मेद की वृद्धि होगी, अस्थि की वृद्धि होगी। और विशेष सिद्धांत क्या है? अगर हम विपरीत गुणों का सेवन करते हैं तो वो उसके हास का कारण होता है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा लघु पदार्थों का सेवन करेंगे तो मांस क्षय होगा, मेद क्षय होगा, अस्थि क्षय होगा। और सामान्य विशेष जो सिद्धांत है वो गुरुवादि गुणों पर लागू होता है, और इन्हीं गुणों का ज्ञान ही स्वास्थ्य रक्षण एवं उचित चिकित्सा में सहायक होता है। बुद्धि आदि की क्या उपयोगिता है? सद्वृत्त एवं आचार रसायन के सेवन से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, महर्षि चरक ने बताया है। और सद्वृत्त और आचार रसायन का ज्ञान आपको किससे प्राप्त होगा? बुद्धि आदि गुणों की वजह से। इस आचार रसायन के सेवन में आत्मगुणों यानी बुद्धि आदि के ज्ञान की अधिक उपयोगिता है। और रोग के तीन कारण जो बताए हैं उनमें असात्म इंद्रियार्थ संयोग हमने देखा, जिसके लिए हमें शब्द आदि का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा कारण होता है प्रज्ञापराध, जिसमें हमें बुद्धि आदि का ज्ञान होना चाहिए। और प्रज्ञापराध को रोग का प्रधान कारण बताया गया है, इसीलिए सद्वृत्त आचार रसायन ये सब का सेवन करना चाहिए। और बुद्धि आदि का अगर हमें ज्ञान होगा, इच्छा द्वेष सुख दुख ये सब का अगर हमें ज्ञान होगा तो हम प्रज्ञापराध करने से बच जाएंगे और बहुत सारे जो रोग हमें होते वो
नहीं हो पाएंगे। और परतवादी की क्या उपयोगिता है? युक्ति यानी प्रमाण। जैसे कि हमें युक्ति का अगर ज्ञान है तो हम कितने प्रमाण में किस औषधि को देना है हम उसकी युक्ति कर पाएंगे, कौन कौन से दोष इस रोग को उत्पन्न कर रहे हैं, सिर्फ वात दोष की वजह से है, कफ की वजह से है, या द्वंद्वज है, दोनों दो प्रकार के दोष हैं, या सन्निपातक है, तीन प्रकार के दोष है। इस तरीके से अगर हमें संख्या का ज्ञान होता है तो हम उसकी चिकित्सा उसी प्रकार से प्लान कर पाएंगे। और संख्या से हमें औषधि घटक, जैसे कोई भी औषधि का निर्माण करना है उसमें कितने प्रकार के उसके घटक द्रव्य हैं उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो ये परत्व अपरत्व में जो युक्ति और संख्या है उसकी उपयोगिता बताई जा रही है। और परिमाण है, अगर हमें औषधि का निर्माण करना है तो कितने प्रमाण में कौन परिमाण में कौन सी औषधि द्रव्य लेनी है, कितने देर तक हमें उसकी प्रोसेसिंग करनी है, उसके संस्कार करने हैं, कितनी मात्रा में हमें औषधि का प्रयोग करना है, ये परिमाण कहलाता है। संस्कार औषधि के गुण बढ़ाने के लिए, गुणवर्धन करने के लिए हम संस्कार करते हैं। अभ्यास, पथ्य और अपथ्य का सेवन, इसका हमें अभ्यास करना चाहिए अगर हम अधिक समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, या फिर अगर हम रोगग्रस्त भी हो गए हैं तो पथ्य अपथ्य के सेवन करके हम शीघ्र ही आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। पर और अपर, परत्व और अपरत्व, इससे हमें श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ का ज्ञान होता है, कौन से द्रव्य हमें सेवन करने के लिए श्रेष्ठ हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर हैं, और कौन से द्रव्य अहितकर हैं, इसका अगर हमें ज्ञान होता है तो हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो यही इन गुणों की उपयोगिता है, और प्रयोगात्मक उपयोगिता भी यही है, हम किस प्रकार द्रव्यों का सेवन कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं, वो हमें गुणों के ज्ञान होने के बाद ही पता चलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।